वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। हमने क्लास सिक्स में भी ये चैप्टर पढ़ा था, फाइबर टू फैब्रिक। उसमें हमने प्लांट्स के फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम क्लास सेवेंथ में एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल फाइबर्स से। एनिमल फाइबर्स क्या है? फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे फाइबर्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं एनिमल्स फाइबर। जैसे कि एग्जांपल के लिए है वूल, सिल्क। वूल हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से। वूल के एग्जांपल है जैसे शीप हो गया, याक हो गया, कैमल हो गया और गोट हो गई। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिससे हमें वूल मिलता है। और दूसरा एक एग्जाम्पल है सिल्क। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से, मॉथ से, जो बटरफ्लाई होती हैं वो। वूल इज़, लेकिन हमें वो बटरफ्लाई से नहीं मिलता है, वो सिल्क के जो मॉथ होते हैं, लार्वे होते हैं, कैटरपिलर जो होते हैं, हमें उनसे मिलता है सिल्क। पहले हम बात करेंगे वूल की। वूल कहाँ से मिलता है? सील से, फ्लीस से मिलता है। फ्लीस क्या है? एनिमल के हेयर। ठीक है, एनिमल्स दैट ईल्ड वूल। अब हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स की जिनमें से हमें वूल मिलता है। वो भी हमने एग्जाम्पल अभी अभी पढ़े हैं, जैसे कि शीप हो गया, गोट हो गया, याक, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, कैमल हो गया और एल्पैका एनिमल हो गया। ये साउथ अमेरिका साइड में मिलते हैं। दीज एनिमल्स हैव थिक हेयर बॉडी विच कीप देम वार्म। इन ये जो एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलता है, इन बॉडी के जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत थिक होते हैं, क्योंकि ये इनको वार्म रखते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं? हिली एरियाज में ज़्यादा होते हैं वाले एनिमल्स, इसीलिए इनके जो हेयर होते हैं वो थिक होते हैं, ताकि वो इनको गर्मी प्रोवाइड कर सके, उन्हें ज़्यादा ठंडी ना लगे। हेयर क्या करते हैं? ये जो इनके वूल, ये जो फ्लीज होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बहुत सारी एयर को ट्रैप कर लेते हैं, वहीं पास रोक देते हैं, क्योंकि ये वूल जो है ये क्या, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। फिर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, या आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं बहुत सारे, गोट वगैरह है, गोट हो गया, इससे हमें वूल मिलता है। ये अंगोरा गोट हो गई, ये बेसिक मेनली है पाश्मीना शॉल्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। और ये एल्पैका जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं, और ये लैमा, ये भी वहीं पास पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइबर्स वूल के बारे में। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, शीप्स आर रियर्ड एंड देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। अब हमें शीप से वूल लेने के लिए क्या होता है? जो शीप होते हैं उनको रियर किया जाता है। रियर क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप में। और फिर उसको उनके हेयर कट करके उसको आगे के लिए प्रोसेस किया जाता है, आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। रियरिंग क्या है? शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। हमारे कंट्री में बहुत सारी जगह पे शीप्स को रियर किया जाता है वूल के लिए। रियरिंग प्रोसेस में क्या होता है? शेपर्ड्स क्या करते हैं, जो शेपर्ड्स कौन होते हैं, जो शीप वगैरह या फिर गोट्स वगैरह, उनको वो घास खिलाने के लिए ले जाते हैं माउंटेन पे, खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, शेपर्ड्स टेक केयर ऑफ शीप्स अंटिल दे प्रोड्यूस वन और मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। शेपर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? शीप्स का ध्यान रखते हैं जब तक वो कोई हमें यूजफुल प्रोडक्ट नहीं दे देती है। फिर इसके बाद ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में क्या होता है? सम ब्रीड ऑफ शीप्स हैव कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटी। ब्रीडिंग में क्या है? जो शीप्स की कुछ ब्रीड होती है उनमें क्या होता है, हेयर की कोई क्वालिटी, कुछ शीप्स की ब्रीड ऐसे होती है जिसमें हेयर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो वो उनको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये ब्रीडिंग को, इसको हम सेलेक्टिंग ब्रीडिंग बोलते हैं। क्योंकि हम उसमें क्या करें, एक पर्टिकुलरली कुछ करेक्टर्स ले रहे हैं कुछ शीप के, जिससे क्या है, हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, हमें अच्छी वूल मिल रही है और लार्ज क्वांटिटी में मिल रही है। तो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब कुछ ऐसे भी शिप होते हैं जिनके हेयर सॉफ्ट होते हैं, तो हम उस शिप को कलेक्ट करते हैं वूल के लिए। कुछ ऐसे शिप होते हैं जिसमें से हमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी में वो मिलता है, क्वान्टिटी में वो वूल मिलते हैं। वंस रियर्ड शिप डेवलप विथ थिक हेयर, हेयर इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। जब रियर शिप क्या होती है, डेवलप हो जाती है अच्छे से, प्रॉपरली डेवलप हो जाती है, उनमें ग्रोथ वगैरह अच्छे से आ जाती है हेयर की, फिर उन हेयर को क्या करते हैं शेपर्ड्स, रिमूव कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं। जैसे शेव करते हैं ना, वैसे ही वूल को भी, हेयर को भी शेव कर लेते हैं, ताकि हमें उससे फिर वूल मिले। फिर हम बात करेंगे अब प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल।
सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे शीयरिंग की, मतलब अब वूल का प्रोसेस क्या है, फाइबर से वूल कैसे बन रहा है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे शीयरिंग की। शीयरिंग में क्या है, फ्लीस ऑफ शीप इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। फ्लीस क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, ये एनिमल्स के हेयर है। इसमें क्या होता है, ये जो शीप होती है उसके बॉडी में से फ्लीस को रिमूव किया जाता है, हेयर को रिमूव किया जाता है। और ये जो चीज़ है इसको ज़्यादातर लोग समर में करते हैं, क्योंकि समर में क्या होता है, गर्मी होती है थोड़ी, तो जैसे अगर विंटर्स में करेंगे तो विंटर्स में तो जो शीप वगैरह है या फिर कोई और भी एनिमल है उनको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना अपने फ्लीस की, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एनवायरमेंट से। और गर्मियों में इसलिए करते हैं क्योंकि गर्मी होती है तो उसमें ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है हेयर की, इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये समर सीज़न में ही किया जाता है। मशीन्स जो बार्बर मशीन्स यूज़ करते हैं हेयर कटिंग वगैरह के लिए या शेव के लिए, वही मशीन यूज़ करते हैं ये शेपर्ड्स हेयर रिमूव करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए। हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, देन वूलन फाइबर्स प्रोसेस टू मेक यार्न। जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वूलन फाइबर्स हमें उनसे मिलते हैं, फिर वो ये वूलन फाइबर क्या होते हैं, इसको हम आगे प्रोसेस जब करते हैं तो इससे हमें यार्न मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसमें स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, शीयर्ड हेयर वॉश इन टैंक्स टू रिमूव डस्ट, डन बाय मशीन्स आल्सो। अब स्कोरिंग में क्या होता है, जो ये अभी हमने हेयर को निकाल लिया, शीयर कर लिए, रिमूव कर दिए शेप के स्किन में से, अब हम उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे अच्छे से, ताकि इसमें से डस्ट वगैरह जो भी पार्टिकल्स है, गंदगी है, वो सारी निकल जाए। और ये मेथड हम टैंक्स में भी करते हैं और मशीन्स की हेल्प से भी करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, जो कि क्या है, सॉर्टिंग। इट मीन्स सेपरेटिंग, इसका मतलब क्या, सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, अलग करना, सेपरेट करना। ये मेथड स्कोरिंग के बाद किया जाता है। इसमें क्या होता है, हेयर को जो हमने स्कोर कर लिया होता है, वॉश कर लिया होता है, उसको फैक्ट्री में अलग सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, अलग अलग टेक्स्चर के हेयर सेपरेट किए जाते हैं, अलग अलग टेक्स्चर के हेयर क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। फिर उसके बाद इसको फिर से स्कोर किया जाता है। इस सॉर्टिंग स्टेप के बाद कौन सा स्टेप है, फिर से स्कोरिंग। स्कोरिंग में इसको फिर से हम स्कोर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं, जो कई बार हमको अपने स्वेटर्स वगैरह में भी देखने को मिलते हैं, जो निकल से आते हैं बाहर को, उसको रिमूव किया जाता है यहाँ पे, और फिर से इसको अच्छे से वॉश करके इसको सुखाया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाइंग। इसमें क्या करते हैं, नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप इज़ ब्लैक ब्राउन और वाइट। इसमें क्या होता है, जो शीप के जो हेयर का कलर होता है नेचुरल, वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन या वाइट कलर का होता है। तो हमने देखे है कि जो वूलन क्लोथ आते हैं वो कई बार रंग बिरंगे कलर के आते हैं, जो कि शीप का कलर भी नहीं होता है। तो उस क्या करते हैं, उसको ये लोग डाई करते हैं, उसमें ऊपर से कलर चढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है इसका कॉम्बिंग और स्ट्रेटनिंग और रोलिंग। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं उसको स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उसको स्पन किया जाता है, उसको बुना जाता है, मतलब गोला टाइप का बनाया जाता है, फिर उसको अच्छे से बुना जाता है, ताकि कोई एक वुलन क्लोथ हम उससे बना सकें। ये आप देख सकते हैं, ये शेयरिंग की पिक है, ये फर्स्ट वाली जो आप देख रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, शिप में से हेयर को रिमूव कर रहे हैं। सेकेंड वाली में देख सकते हैं स्कोरिंग, इसमें ये लोग अच्छे से साफ कर रहे हैं हेयर्स को, जो इन्होंने रिमूव किया उसको वो टैंक में साफ कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये मशीन्स के थ्रू भी हो रहा है, जो स्कोरिंग मेथड जो है वो मशीन्स के थ्रू हो रहा है। और ये लास्ट वाली में जो रोलिंग इनटू यार्न है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो ये है फाइबर्स, उसको रोल कर रहे हैं लोग। अब हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, और सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क की। एक ओल्ड चाइनीज के मुताबिक एक एम्प्रेस था सी लुंग ची, ठीक है, और एक दूसरा एम्प्रेस था हुआंग ती, अजीब से नाम है। तो हुआंग ती ने क्या किया, सी लुंग ची से पूछा कि उनको एक कारण जानना है, जो उनके गार्डन में एक मलबरी का पेड़ उग रहा है, वो उनकी जो लीव्स है वो डैमेज क्यों हो रही है, उनको इसका कारण नहीं समझ में आ रहा था। तो एम्प्रेस ने क्या किया, इन्होंने क्या फाउंड किया, वाइट कलर के वॉर्म्स थे, जो क्या कर रहे थे, मलबरी की जो पत्तियाँ थी, लीव्स थी, उसको वो खा रहे थे, ठीक है। और एक और बार क्या हुआ था कि इनके जो वाइफ थे वो चाय पी रही थी, और उनके चाय में एक कुकुन आके गिर गया था, कुकुन क्या, जिसके अंदर ये प्यूपा बना होता है, वो अभी हम जानेंगे कुकुन क्या होता है, डिटेल में हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो ये इनके चाय में आके गिर गया, तो उसमें से क्या होने लगा, वो जो थ्रेड थे वो अलग होने लगे, सेपरेट होने लगे, ठीक है, कुकुन से। और फिर ये यही प्रोसेस जो है ये सिल्क इंडस्ट्री में बिगन हो गया, स्टार्ट हो गया, सिल्क इंडस्ट्री चाइना की सिल्क इंडस्ट्री में हो गया, ठीक है। कुछ समय तक के लिए क्या था, इसको एक सीक्रेट ही रखा गया था, बहुत समय तक इसको सीक्रेट रखा गया था।
आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो सबसे पहले ये डायग्राम है, ये एक मेल मॉथ है और ये फीमेल मॉथ है। ये लोग क्या करेंगे, एग ले करेंगे इसमें। ये फीमेल मॉथ एग ले करेगी यहाँ पास, ये मलबरी की लीव्स है, इसमें ये एग ले करेगी। जब ये एग में हैच होंगे, जब ये एग टूटेंगे तो इसमें से लार्वा निकलेंगे, ऐसे लार्वा होंगे। फिर ये क्या करेंगे, ये वाइट वॉर्म्स है, ये इस लीव्स को खाएंगे, जो कि इनका ये खाना है। फिर उसके बाद ये थोड़ी देर बाद क्या, थोड़े दिन तक इसको खाएंगे, बहुत ज़्यादा खाते हैं ये लोग। फिर उसके बाद ये इस स्टेज में आ जाएंगे, इस स्टेज को हम कुकून बोलते हैं। इसके अंदर प्यूपा फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ये कुकून है और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये प्यूपा फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद ये प्यूपा बटरफ्लाई में बन जाते हैं। लेकिन अगर हमको सिल्क थ्रेड चाहिए, सिल्क के कपड़े चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो ये कुकून फॉर्मेशन है, इसी को हम क्या कर देते हैं, थोड़े टाइम के बाद इसको बॉयल कर देते हैं, ताकि इसके अंदर का जो ये प्यूपा है वो मर जाए और इसके जो ये थ्रेड्स है वो अलग हो जाए, जो ये जो लार्वे या कैटरपिलर है वॉर्म में, जो ये जो ये बनाते हैं अपने सलाइवा सेक्रेट करके। आइए इस प्रोसेस को डिटेल में जानते हैं। सिल्क फ्रॉम एनिमल्स। अब ये जो सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। इसको हम सेरीकल्चर भी बोलते हैं, ये जो सिल्क वाला जो प्रोसेस है। सेरीकल्चर मतलब क्या होता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस रॉ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, जिसमें हम सिल्क वॉर्म को रियर कर रहे हैं, उसको यू मतलब रियरिंग क्या होता है, भी हमने पहले पढ़ा था, क्या हो रहा, क्या करते हैं हम उसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर, जिससे हमें सिल्क मिलता है। सिल्क फाइबर प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे सिल्क वॉर्म रियरिंग की। इन दिस प्रोसेस फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स अराउंड 200 to 500। दीज एग्स आर डिसइंफेक्टेड एंड फीडिंग बेड इज प्रिपेयर्ड ऑन रियरिंग डे। क्या होता है इसमें, सिल्क वॉर्म रेयरिंग में पहला स्टेप तो क्या है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, अंडे देती है, एग ले करती है, ठीक है। और फिर बाद में ये एक बार में 200 से 500 एग दे सकती है। फिर इन एग्स को क्या किया जाता है, डिसइनफेक्ट किया जाता है। फिर इनके लिए एक ट्रे में एक मतलब मलबरी की लीव्स भी जाके इनके लिए खाना तैयार किया जाता है। जब एग हैच होते हैं, मतलब जब अंडा टूटता है, तब ये जो सिल्क वॉर्म है, जो कैटरपिलर और जिसको हम वॉर्म्स बोल रहे हैं, वाइट वॉर्म्स, ये क्या करते हैं, मलबरी लीव्स खाते हैं बहुत सारे। फिर ये उन्हें खा खा के ऐसे ग्रो होते रहते हैं। फिर एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं फिफ्थ लार्वा स्टेज। इस स्टेज पे लार्वा क्या होता है, जो ये कैटरपिलर है और ये वॉर्म जो है, ये क्या करते हैं, कुकून फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कुकून फॉर्म करने लगते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया था डायग्राम में, ये है कुकून फॉर्मेशन। फिर उसके बाद है दिस सलाइवा व्हेन कम ये सॉरी इसके बाद ये क्या होंगे, कुकून फॉर्म करने लग जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये कुकून कैसे फॉर्म करते हैं, इनके अंदर सेक्रेटरी जो ग्लैंड होता है, सलाइवा ग्लैंड जो होता है, वहाँ से ये सलाइवा सेक्रेट करते हैं और जिससे ये कुकून फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो सलाइवा होता है, जब ये एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं। इनसाइड कुकून्स लार्वे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अब कुकून के अंदर क्या होता है, जो लार्वे होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है, ये डेवलपिंग स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर अंदर के स्ट्रक्चर डेवलप होते रहते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करते वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क की। सिल्क प्रोसेसिंग कैसे होती है, अब ये जो कुकून फॉर्मेशन जब ये लोग कर लेते हैं, ये जो सिल्क वॉर्म से जब ये कुकून फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो क्या होता है, हम लोग ये जो कुकून है उनको इकट्ठा करते हैं बहुत सारे, और उसको या तो हम स्टीम देते हैं या फिर हम उनको गर्म पानी में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो प्यूपा अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, मर जाएगा, और जो फाइबर्स है वो सेपरेट हो जाएंगे गर्म पानी की वजह से, कुकून से फाइबर सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेलिंग ऑफ सिल्क। रेलिंग ऑफ सिल्क में क्या है, इन विच थ्रेड्स आर टेक आउट फ्रॉम कुकून्स। इसमें क्या करते हैं, हम जो फाइबर्स सेपरेट हुए होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कुकून से अलग कर लेते हैं। और ये मशीन्स के थ्रू भी होता है, इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। फिर बाद में ये जो फाइबर्स जो थ्रेड हमने सेपरेट किए, इसको हम क्या करते हैं, स्पन करते हैं, बुनते मतलब रोल करते हैं, इनको एक गोला टाइप में बना लेते हैं, ताकि इससे फिर बाद में एक सिल्क क्लोथ बन सके। बहुत सारी वेराइटीज प्रेजेंट है सिल्क मॉथ की, और जो कि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस करती है, जैसे कि तसार सिल्क हो गया, मोगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया। इन सब में कॉमन कौन सा है, मलबरी सिल्क। मैं आपको ये प्रोसेस के हेल्प से दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एक एडल्ट सिल्क मॉथ है, जो कि क्या है, जिसने बहुत सारे एग ले किए हैं। ये है कि ये मलबरी का पेड़ है, इस पर एग ले करते हैं, और फिर बाद में जब ये एग हैच होते हैं, ये हैच हो गया है,
ये यहाँ पे ये क्या है, कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर बोल सकते हैं हम इनको, सिल्क वॉर्म बोल सकते हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ये क्या मलबरी लीफ पे बैठे, ये मलबरी लीव्स खाते हैं, इनका खाना यही होता है। फिर इसके बाद ये क्या कुकून फॉर्म कर लेंगे, जब एक बहुत सारा इन्होंने खाना खा लिया होगा, फिर ये रेस्ट स्टेट पे चले जाते हैं जिसमें इनके अंदर के ऑर्गेन्स डेवलप होते हैं, इसके अंदर कुकून के अंदर जिसमें प्यूपा प्रेजेंट होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये मेथड वूल का और सिल्क का, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हेल्प अदर्स टू स्टडी। थैंक यू।